सड़क राबिता इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है ये आप सब जानते हैं। आज हम आपको एक बार फिर शहर से गाँव की एक अहम समस्या जो कि यहाँ के लोगों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, रोड कनेक्टिविटी, उस हवाले से एक रिपोर्ट पहुँचाना चाहेंगे। इस रिपोर्ट में हम आप तक कुछ विजुअल्स दिखाना चाहेंगे और विजुअल्स देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ के लोगों को रोड कनेक्टिविटी की कितना ज़रूरत है। सड़क राबिते का होना यहाँ के लोगों को कितना आने वाले वक्त में फ़ायदा दे सकता है और जो समस्या, जो मुश्किलात यहाँ के लोग मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, उससे किस तरह के हल मिल सकता है। इस वक्त ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ के लोग, जो यहाँ के युवा हैं, नौजवान हैं, इन्होंने अभी अभी एक शख्स को लगभग 2.5 किलोमीटर शहर से गाँव से स्ट्रेचर पर लेके यहाँ पर चुलीचंद पहुँचा है, इस जगह पर पहुँचा है। और जब उस शख्स को स्ट्रेचर पर लेके आ रहे थे, आंखों से देखा कि यहाँ के लोगों की किस तरह की मुश्किलात है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब गाँव में कोई बीमार हो जाता है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, हेडक्वार्टर तक पहुंचाने में, उसको मेडिकल फैसिलिटी दिलाने के लिए, एक अहम मुकाम तक पहुंचाने के लिए किस तरह की मुश्किलात से दोचार होना पड़ता होगा। एक रिपोर्ट दिखाएंगे, सबसे पहले विजुअल दिखाएंगे। विजुअल में आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह की जिद्दोजहद करते हैं जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है। बताया जा रहा है कि शहर से गाँव के लिए रोड बन रहे हैं। लोगों का भी मानना है कि पिछले कई सालों से सुनने को मिलता है कि रोड तो बन रहे हैं, लेकिन रोड अभी गाँव तक पहुंचने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के लोग अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो रोड कनेक्टिविटी शहर से गाँव के लिए बन रहे हैं वो जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि आज के इस दौर में 21st सेंचुरी में लोगों को रोड कनेक्टिविटी जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ को लेके परेशानी होना ना पड़े। विजुअल्स देखिए और लोगों से भी बात की है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त TV9 भारत वर्ष के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीनिवास सर। सर, क्या एक्सपीरियंस किया शहर से गांव जाने के बाद? और देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक बात है सड़कों के निर्माण की, ये हमारे जो गांव है और यहां पे कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमने देखा जब खुद हम यहाँ पे फंसे, मेरे पैरों में चोट लगी तो हमारे पास कोई साधन नहीं था आने जाने का। ये सही बात नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस इलाके में जितनी जल्द से जल्द हो सके ये जन सुविधाएं पहुंचाई जाएं, कम से कम सड़कों का निर्माण किया जाए। कल मेरे पैर में चोट लगी थी और मुझे सारा इंतजाम करते 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 आने में तकरीबन 24 घंटे लगे। अगर सोच लीजिए किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो फिर तो उसका ऊपर वाला ही मालिक है। इसलिए सरकार को सिर्फ बातें ही नहीं करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि इस गाँव तक, जो साचे गाँव है, यहाँ तक सड़क का निर्माण बहुत जरूरी है। सर, जब आप शहर से में थे, आपको चोट लगा, उस वक्त आपके मन में क्या था, क्या सोच रहे थे आप, क्या आपको लग रहा था कि आप पहुंच पाएंगे? और जब आप यहाँ पे आए तो लोकल्स ने कैसे लेके आया आपको? मैंने आपको वहीं पे बोल दिया था, आपको याद होगा, एक वक्त पे मैंने बोल दिया था कि मुझे अब मेरे हाल पे छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के तमाम लोकल लोगों का, इस गाँव के लोगों का, जिन्होंने तन मन धन से, मतलब बिना मेरे से किसी एक्सपेक्टेशन के, तमाम युवाओं ने मुझे अपने कंधे पे लादा और एक 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 करके इस टफ टेरेन में, जहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है, वहाँ उन्होंने मुझे कंधों पे उठाया, फिर यहाँ लेके आए। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आरिफ भाई का, जिन्होंने बाद में मुझे सकुशल यहाँ तक पहुँचाने में मदद की, सुबह स्ट्रेचर का इंतज़ाम किया। और आरिफ भाई और फयाज़ भाई, तो इन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सिर्फ शुक्रिया अदा करना ही कोई, ये एक रस्म अदायगी है। मैं कहूँगा कि सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे और आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो।
जब आप दिल्ली से आए हैं तो शहर से गांव आप पहुंचे, एक दूर दराज जगह है, 3 घंटा चलना पड़ता है, तो यहाँ के लोगों को रोड बनना कितना ज़रूरी है, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? मुझे लगता है यहाँ पे तो रोड बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है, मतलब कहिए तो झेला है, कि हम अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को अगर बच्चा का अगर वो डिलीवरी केस है वो है, तो आप कैसे आएंगे? मतलब लाइफ बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। तो सरकार को ये देखना चाहिए, और यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं देखने के लिए, टूरिज्म के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन ये फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे रोड और उसका होना चाहिए। हमने सुना कि आपके टीम मेंबर्स में से किसी को कुछ परेशानी हुई और यहाँ पे लेके आना पड़ा, कैसे लाया उन्होंने? हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास जी गए थे अभी हम लोग कुछ किसी स्टोरी को लेके, तो वहाँ पे इंजर्ड हो गए, उनको लाने में बहुत परेशानियाँ हो रही है। मतलब हम तो सोच रहे थे कि पहुँच ही नहीं पाएंगे एक तरीके से, लेकिन हम इस उससे पहुँच गए। गांव के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। आपका नाम? सनाउत। देखो भाई साहब, आप ही खुद अभी देख रहे हैं कि कितना फेस करना पड़ा, मतलब ऐसे हादसा बहुत पहले हो चुका है, चाहे थोड़ा पेशेंट हो, बीमार हो कोई, तो हम पूरा ऐसे लेना पड़ता है। कोई तो यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद गाड़ी मिल के कारगिल लेके बस जाता है, कोई तो रास्ते में ही डेथ हो जाता है। तो इसी तरह प्रेग्नेंट औरत भी कई बार जब गाँव में जो बीमार पड़ जाता है उसको ले कर के कोई रास्ते में प्रेग्नेंट भी हो जाता है, तो कोई रास्ते में मर के भी वापस ले गए हैं। तो जब से हमारे उम्र अभी लगभग 36 साल हो गया, तो हम तो तब से ही देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे ही पूरा प्रॉब्लम होते जा रहा है। अच्छा, तो अभी हमने सुना कि किसी एक साइड से रोड बन रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है? जी वो तो बन तो रहा है, मगर ऐसे ये तो बहुत पहले से हमारा रोड बन रहा है आ रहा है बोल के अभी तक तो बहुत साल हो गया, बन भी रहा है, मगर कब तक आएगा उसका कोई अभी हमको पता नहीं है। रोड तो चल रहा है, रास्ता मतलब बनाने का काम तो चल रहा है, मगर इतना पता नहीं कि कब तक बनेगा। जल्द बनना ज़रूरी है। हाँ, जल्द बनना ज़रूरी है। अभी आप ही देख सकते हैं, अभी आप खुद मौके पे था, हमने बंदे को कैसे लाया, चलो ये तो हमने पूछा दिया अभी इतना मतलब ये करके। उम्मीदवार नंगोसला फुदे दामी वक्सपू छोत पचिक यंग गा जोस्ता चिक यंग सुचिक नंगोसला छा चुकचे मेंचुक नंगोसला छे थोर गल बचिक जगोसाक चुकचे एंचुक संग संग फोटो युद पी असली आई कार्ड चिक मोरतक्सला खुरे युद पार गोशे एंचुक फोटो आई कार्ड पी का उम्मीदवार पी स्केजक पू का तोज भी से मेदना उम्मीदवार पुछ छिज भी फिया रंग ई स्केजक भी से युद पी यंग असली शुक चुक चिक खुरे युद पार गोशे एंचुक CBSE, ICSE आना स्टेट बोर्ड चोक्सना थोपखानी एडमिट कार्ड स्ट्री मार्क्स कार्ड पास सर्टिफिकेट या मेदना सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या ना PSU तंगसखानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अंग देफिया शोकचा एंसु कल तेज कोई शोकशोगुन्यांग डेट ऑफ बर्थ पुस न लास कंखानी शोकशोगुन्ना मजुम नकतो इम्तिहानयांग खो दुखचुकचा मेंचु का उम्मीदवार चिक इम्तिहानी लस्सिरुन्यांग गा चोकसीज गक्सकिल चिक बना यान इम्तिहान सेंटर का गा चोकसी लस गक चिक क्यूना ख्वा दे वक्सला इम्तिहान तंग चुकचा मेंचु यंग SSC यूंग में एग्जाम उन्यांग दुखचुकचा मेंचु देख असना ने खुई लोकपाल ला कार्रवाई बचा इंसु कल तस्फ्रुनी सिलिंग बसे इम्तिहान पुकतो मडुल चुकना यंग जुगना री एग्जाम बचा मिंसुक।